हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तो मालूम है कि एनआईएस की कोर्स ख़त्म हो गया है और एनआईएस की तरफ से आप सभी को सर्टिफिकेट देना ही बाकी है। और यहाँ पे लगभग कोई सारे शिक्षक ऐसे रह गए हैं जिनकी रिज़ल्ट में एबसेंट या रिज़ल्ट में RW होने की वजह से या NC होने की वजह से उन सभी की रिज़ल्ट को यहाँ पे लटकी हुई रह गई है। तो यहाँ पे हमने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन लेकर भी शेयर किए है या ऐसे सारे प्रॉब्लम को लेकर भी हमने बातचीत किए हैं। तो किसी किसी शिक्षकों को शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और कोई कई शिक्षक ऐसे बाकी रह गए होंगे जिनकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और बहुत सारे शिक्षक जिनकी रिज़ल्ट आने के बाद उन सभी की जितने सारे सब्जेक्ट थे उन सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने के वजह से वह अभी सर्टिफिकेट पाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे और यहाँ पे NIS की तरफ से एक नोटिस भी दिया गया है, उसी को लेकर हम आपसे बात करेंगे। और साथ में यहाँ पे जो बिहार वाले शिक्षक है और बिहार वाले जितने सारे फ्रेंड हैं उन सभी के बारे में भी हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उन सभी की जो टेट की बात थी वह यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरे पूरे देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, कुछ समय ले सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरे पूरे देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें क्या क्या बात या क्या क्या नोटिस में कौन कौन सी खबर दिया गया है उसी को लेकर हम आपसे बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरे पूरे देखते रहिए, वीडियो को पूरे पूरे देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियो के नीचे भी यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें कि आपके जितने सारे प्रॉब्लम था या जिन सारे शिक्षकों की प्रॉब्लम था क्या वो सॉल्व हो गया है या नहीं। अगर सॉल्व हो गया है तो आप हमें बताने की कोशिश करें, क्योंकि हम आपके तो वेल विशर है। तो आपकी जो कुछ प्रॉब्लम है हम आपसे सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप हमें कृपया करके आप हमें बताने की कोशिश करें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या NC का जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हुआ है या नहीं आप हमें कमेंट कर बताने की कोशिश करें। तो बात को और आगे ना ले जाते हुए यहाँ पर जो खबर नोटिस में दिया गया है उसके बाद जो BTET है उसी को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पत्रांक DLED/NIS/MDLC/KNP 2019-6/1A। तो यहाँ पे अगर देखें तो देख सकते हैं सेवा में केंद्र और समन्वयक समस्त अध्ययन केंद्रों कानपुर नगर। विषय की बात करें तो आप देख सकते हैं विषय सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों का द्विवर्षीय NIS DLED प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद अंक पत्र एवं डिप्लोमा वितरित करने के संबंध में। तो यहाँ पे खबर देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने द्विवर्षीय NIS DLED की डिप्लोमा को कंप्लीट किए हैं उन सभी की अंक पत्र यानी उन सभी की मार्कशीट और उसके बाद एवं डिप्लोमा वितरित करने के संबंध में, यानी अपने जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सब्जेक्ट को लेकर हमने बात कर लिया है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स में देखें तो और भी देख सकते हैं। महोदय, उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि सवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को NIS DLED द्विवर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। आप सभी अध्ययन केंद्रों को अंक पत्र एवं डिप्लोमा जल्द ही उपलब्ध करवाया दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को या अप्रशिक्षित शिक्षकों ने अपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, द्विवर्षीय प्रशिक्षण अपने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे बताया गया है कि उन सभी की अपने स्टडी सेंटर से अंक पत्र यानी मार्कशीट और डिप्लोमा जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात आप सभी को जान लेना चाहिए, ये कानपुर से ये अपडेट दिया गया है। तो कानपुर वालों के लिए ये अपडेट है, बहुत जल्द ही सभी के लिए अपडेट आने वाला है, क्योंकि आप सभी ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। लगभग 15 लाख शिक्षकों ने NIS DLED की है, जिनकी तो प्रॉब्लम था वो अभी तक बाकी रह जाएंगे, उनकी दोबारा परीक्षा होने के बाद जब उनको सब कंप्लीट कर लेंगे उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और जिन लोगों ने लगभग पूरे भारत के सभी स्टेट में NIS की DLED हुआ है तो बाकी सारे स्टेट से
जिन्होंने डीएलएड किए हैं उनका भी सर्टिफिकेट बहुत जल्द ही आने वाला है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नोट अंक पत्र एवं डिप्लोमा वितरित करते समय निम्न नियम एवं शर्तों का पालन करवाना सुनिश्चित करें। तो अगर आप मार्कशीट लेना चाहते हैं या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको इन सारे शर्तों को भी मानना होगा या शर्त आपके पास मौजूद रहना होगा। पहला शर्त अगर देखें तो किसी भी अपेक्षित अध्यापक के पीसीपी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष, डब्ल्यूबीए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष तथा पीटी किसी भी कार्यक्रम के अपूर्ण होने की दशा में अंक पत्र एवं डिप्लोमा वितरित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी अप्रशिक्षित अध्यापक के पीसीपी यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम आप सभी तो जानते हैं, इन्हें खत्म हो गया होगा, लेकिन आप सभी को तो ये डेफिनेशन या वर्ड की मीनिंग तो मालूम है। पीसीपी यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष, डब्ल्यूबीए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष, पीटी यानी प्रैक्टिस टीचिंग प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष हो, जो कुछ भी हो आपको पूरे पूर होना चाहिए। तो होने के अपूर्ण होने की दशा में अंक पत्र एवं डिप्लोमा वितरित नहीं किया जाएगा। अगर आप में से किसी के ऐसे प्रॉब्लम हो तो आप जल्द ही इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करें ताकि आपको आसानी से डिप्लोमा मिल जाए। उसके बाद दूसरे नंबर दिया गया है अंक पत्र एवं डिप्लोमा केवल अप्रशिक्षित अध्यापक को ही वितरित किया जाएगा, किसी सगे संबंधी एवं अन्य रिश्तेदारों को वितरित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट बात करने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि ये बकवास बात है। NIS जिन्होंने DLED किए हैं वो ही यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने आएंगे, क्योंकि बाजार से कोई ऐसे आने वाला नहीं है कि हमें भी यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दो, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। क्योंकि आप सभी तो देख पा रहे हैं आपने कितने मेहनत से ये कोर्स किए हैं, तो उसके बावजूद आपको क्या आप बाज़ार में जाओगे क्या, या बाज़ार से आने वाला कोई या बाज़ार से कोई आकर क्या सर्टिफिकेट मांग लगा, ऐसा हो नहीं हो सकता, ये पॉइंट बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरे जो अंक पत्र एवं डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आप सभी को ज़रूरी होगा। तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है आप देख ले। NIS DLED पंजीकरण फॉर्म यानी आपने जो रजिस्टर किया था नाम उस वक्त आपने जो फॉर्म सबमिट किए थे या फॉर्म आपके पास जो मौजूद, तो उसके बाद अगर देखें तो देख सकते हैं आधार कार्ड की मूल प्रति। उसके बाद अगर देखे थे तो अप्रशिक्षित अध्यापक अपने अध्ययन केंद्रों स्कूल से अंक पत्र एवं डिप्लोमा वितरित होने के एक सप्ताह पूर्व का टीचिंग लेटर एंड लास्ट 3 मंथ सैलरी डिटेल्स उत प्रूफ अध्ययन केंद्रों पर जमा करें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया गया है कि अप्रशिक्षित अध्यापक अपने केंद्रों स्कूल से अंक पत्र एवं डिप्लोमा वितरित होने के एक सप्ताह पूर्व का टीचिंग लेटर यानी आपने जो टीचिंग प्रैक्टिस टीचिंग किए हैं ये नहीं है, यहाँ पे आपने जो स्कूल में टीचर रहे हैं या टीचर टीचिंग किए हैं वो सब यहाँ पे लेने से कि या यहाँ पे लेने की कोशिश करें। एंड लास्ट 3 मंथ सैलरी डिटेल्स उथ प्रूफ, आप तो ये जान सकते हैं कि आपका जो सैलरी हुआ है वो अगर प्राइवेट स्कूल से है तो प्राइवेट स्कूल से आप स्लिप लेने की कोशिश करें। उसके बाद अध्ययन केंद्रों पर जमा करें। उसके बाद देख सकते हैं अप्रशिक्षित अध्यापक विद्यालय के प्रधानाचार्य से 2019-2020 के विद्यालय के UDAS फॉर्म सत्यापित कराकर अध्ययन केंद्रों पर अंक पत्रों एवं डिप्लोमा प्राप्त करते समय जमा करें। तो यहाँ पे देख लिया होगा अप्रशिक्षित अध्यापक विद्यालय के प्रधानाचार्य से 2019-2020 का विद्यालय के UDAS फॉर्म सत्यापित कराकर, तो आपके 2019 और 2020 साल यानी ये जो सेशन शुरू हुआ है 2019-2020 का UDAS फॉर्म सत्यापित कराकर अध्ययन केंद्रों पर अंक पत्र एवं डिप्लोमा प्राप्त करते समय जमा करें। तो यह सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ज़रूरी है, सभी स्टेट के शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। आप इन सारे पॉइंट की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें क्योंकि हो सकता है आप सभी के लिए ये बहुत ही परेशानी के सामना करना पड़ सकता है। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट को जमा करने की कोशिश करें, इन सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करें ताकि समय होते ही आप इन सारे डॉक्यूमेंट को अपने स्टडी सेंटर हो या अपने सर्टिफिकेट की समय जमा करा सके। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया है, आप भी इसी के सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, सभी के इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम BTET के लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आया है उसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर खबर देखें तो देख सकते हैं 48,000 शिक्षकों की बहाली को जुलाई में होगा STET, यानी जो यहाँ पे जितने सारे फ्रेंड थे
या यहाँ पे जितने सारे हमारे फ्रेंड हैं बिहार के रहने वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि सर बी टेट कब आने वाला है, यानी बिहार टेट कब आने वाला है। यहाँ पे STET यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। जल्द जारी हो जाएगा परीक्षा का शेड्यूल, दिसंबर से पहले भरे जाएंगे खाली पद। तो यहाँ पे अगर देखे थे अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। दिसंबर से पहले माध्यमिक एवं प्लस टू विद्यालय में कुल 48,000 खाली पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए जुलाई में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET यहाँ पे सेकेंडरी टेट यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो खबर दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी ये टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विभाग के ऊपर मुख्य सचिव RK महाजन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा कार्यक्रम तय कर लिया है और इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसको स्कूल के 19,000 पद शामिल है। अगले साल 3,000 माध्यमिक और प्लस टू स्कूलों में होगी पढ़ाई। माध्यमिक और प्लस टू शिक्षकों के लिए परीक्षा में होंगे अलग अलग दोपहर। विज्ञान विषय में सर्वाधिक पद, अगर पद की बात करें तो देख सकते हैं प्लस टू स्कूलों में गणित, भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा आर्ट फैकल्टी विषयों के लेकर यहाँ पे रिक्रूट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने आपके साथ छोटे इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, हम डिटेल्स में एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप देख पाओगे कि STET यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब आने वाला है, कब होगा, कब सारी डिटेल्स को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब तक इतना ही, हम आपसे मिलते हैं दूसरे एक वीडियो को लेकर जिसमें हम आपसे डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे।